हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर स्पेशल पर्पज बुक, जिसको हम टी एस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं, जिसका एडिशन है 2022, जिसको सब्सिडरी बुक भी बोलते हैं। पिछली क्लास में आपको याद हो हमने फर्स्ट क्वेश्चन इसका कर लिया था, आज इसका सेकेंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में परचेज बुक तो बनानी है, एज वेल एज उसमें लेजर भी बनाने हैं। तो मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, फिर स्टार्टिंग करते हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वर्मा ब्रदर्स कैरी ऑन बिजनेस ऑन होलसेल क्लोथ डीलर। वो क्लोथ का डीलर है, याद रखना। तो क्लोथ से रिलेटेड जो भी आइटम होगी वो परचेज बुक में आ जाएगी, और वो भी क्रेडिट। कोई भी कैश परचेजेज होगी कभी नहीं आएगी परचेज बुक में, कोई असेट्स परचेज होगी तब नहीं आएगी। फ्रॉम द फॉलोइंग राइट अप देयर परचेज बुक फॉर जनवरी 2022 की परचेज बुक बनानी है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपके सामने आ रही है, लिखा है परचेज फ्रॉम मैसर्स बिरला मिल्स कोलकाता। बिरला मिल्स से परचेजिंग हुई है, क्या परचेजिंग हुई है, 100 पीसेस लॉन्ग क्लोथ एट द रेट ऑफ 800 ईच। उसके बाद 50 पीसेस शर्टिंग एट द रेट ऑफ 500 ईच। ये क्लोथ का ही डीलर था और क्लोथ की एंट्री आ रही है और क्रेडिट में परचेज है। कैसे पता चला, नेम मेंशन है और कुछ नहीं लिखा कि कैश में परचेज है, तो ये ट्रांजेक्शन आ जाएगी। अब स्टार्टिंग करते हैं, उसके बाद आगे उनको पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन में आएंगे। देखो टोटल 6 कॉलम आपने ओपन करने हैं परचेज बुक में। पहला कॉलम है डेट का, नंबर 2 है पर्टिकुलर्स का, नंबर 3 इनवॉइस, नंबर 4 एलएफ। इन थर्ड और फोर्थ में कुछ नहीं लिखना, जैसे हम जो है जर्नल एंट्री में करते थे, लेजर में करते थे। ये ब्लैंक छोड़ने, अभी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई होंगे, 11th पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें कुछ नहीं लिखना अभी। उसके बाद अगला कॉलम आ जाएगा डिटेल्स का, जिससे परचेज कर रहे हैं हम, 2 बार करें या 3 बार करें, वो सारी उसी में आ जाएगी। और उसके बाद ओवरऑल जो फाइनल अमाउंट होगा वो अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा। तो टोटल ये 6 कॉलम हुए, डेट, पर्टिकुलर, इन दोनों कॉलम में कुछ नहीं करना, इनवॉइस नंबर में और एलएफ में। ये डिटेल्स का, जिसमें सारी डिटेल आएगी जिससे परचेज कर रहे हैं हम। उसके बाद फिर जो उसका टोटल बनेगा वो अमाउंट में। आप जरा पहली ट्रांजेक्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन भी थर्ड की आ रही है, आप यहाँ लिख दो जनवरी 3। क्या परचेज जो है लिखा है उससे, मैसर्स बिरला मिल्स कोलकाता, लिख दो जी यहाँ मैसर्स बिरला मिल्स कोलकाता, जिसका नाम है बिरला मिल्स कोलकाता। क्या परचेज हुआ जरा वो देखते हैं। हमने उससे जो है परचेज कर रखा है बिरला मिल से 100 पीसेज ऑफ लॉन्ग क्लोथ एट द रेट ऑफ 800 ईच। 100 पीसेज ऑफ लॉन्ग क्लॉथ एट द रेट ऑफ 800 ईच। तो इसका टोटल वहां लिख दो, कितना अमाउंट बन गया, 80,000। ये समझ आया कहां से आया, 800 ईच है और कितने पीसेज परचेज कर रखे हैं, 100 पीसेज। यहां छोटा सा आपको करके दिखाता हूं कैसे आया, ये रहा 800 को मल्टीप्लाई कर दो, आपने करना नहीं एग्जाम में। एक तो ये परचेजिंग हुई इससे, इसी से दोबारा परचेजिंग हो रही है, लिखा हुआ है 50 पीसेज शर्टिंग एट द रेट ऑफ 500 ईच। 50 पीसेज शर्टिंग एट द रेट ऑफ 500 ईच। इसकी भी कैलकुलेशन कर दो, अब आप यहाँ 25,000 हो गई, मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, ये रहा 50 पीसेज है, ये रहा इंटू 500। क्लियर है, ये जो मैं कर रहा हूँ कैलकुलेशन, ये आप नीचे वर्किंग में दिखाओगे, यहाँ नहीं दिखाना, यहाँ आपको समझाने के लिए। अब बस इससे 2 ही आइटम परचेज थी, वो दोनों आइटम की हमने डिटेल लिख दी, कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है इसलिए कुछ नहीं है। अब इसको क्लोज कर दो। सेकंड ट्रांजेक्शन आपके सामने आ रही है, बोलता है परचेजेज ऑफ कैश फ्रॉम मैसर्स अंबिका मिल्स से परचेजेज करा, कैश में परचेजेज है। आपको मैंने बताया परचेज बुक में 2 तरीके की आइटम नहीं आएंगी, कैश परचेजेज होगा तब नहीं आएगी, खाली क्रेडिट परचेजेज वो भी गुड्स की, और असेट्स परचेज होगी तब भी नहीं आएगी, चाहे वो कैश में परचेज हो चाहे वो क्रेडिट में। तो ये जो सेकंड ट्रांजेक्शन में क्लियर लिखा है कैश में परचेज है, इट विल नॉट कम। इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको परचेज बुक में तो नहीं लिखना, लेकिन नीचे आप नोट्स में शो कर दो इसको, ये ऐसे नोट्स देके नोट नंबर 1 दे दो और यहां लिख दो ट्रांजेक्शन ऑफ 8th January 2022 being cash purchases, ऐसे फुटनोट हमें देना होगा, will not be recorded in purchase book, ऐसे फुटनोट हमें देना होगा, ध्यान रख लो, इन परचेज बुक। यानी कि ट्रांजेक्शन आपने दिखानी जरूर है,
किधर दिखानी है, परचेज बुक में आनी है तो परचेज बुक में शो कर दो, नहीं आ पा रही तो उसका नीचे फुट नोट दे दो कि वो क्यों नहीं आ रही। तो हमने फुट नोट में मेंशन कर दिया ट्रांजैक्शन ऑफ 8th जनवरी जो थी बीइंग कैश परचेज विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। आगे चले, अब नेक्स्ट आ रही है, नेक्स्ट में लिखा है 15 जनवरी को परचेजेज ऑफ मेसर्स अरविंद मिल्स अहमदाबाद 20 पीसेज क्लोथिंग है तो बिजनेस से रिलेवेंट ही आ जाएगी। मेसर्स अरविंद मिल्स लिमिटेड बनाओ या जनवरी 15 मेसर्स अरविंद मिल्स अहमदाबाद ये रहा। अब इससे क्या परचेजिंग है वो देखते हैं। अरविंद मिल्स से 15 जनवरी को 20 पीसेज आपने कोटिंग परचेज करा एट द रेट ऑफ 200 ईच, 20 पीसेज ऑफ कोटिंग एट द रेट ऑफ 2000 ईच लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि आपने इतने का परचेज करा एट द रेट ऑफ 2000 ईच, तो कितने का बन गया ये टोटल मल्टीप्लाई करें तो 40,000 लिख लो यहाँ पर 40। उसके बाद आगे चलते हैं, अब इसी से फिर परचेज आपने कर रखा है 10 पीसेज शर्टिंग कर रखी है एट द रेट ऑफ 500 ईच, 10 पीसेज शर्टिंग एट द रेट ऑफ 500 ईच तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5000 बन गया। अब कोई ट्रेडिंग नहीं है इससे, अब इसको फिर क्लोज करते हैं। अब ये क्लोज करते हो तो ये 45,000 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट लास्ट ट्रांजैक्शन आपके सामने आ रही है, उसमें लिखा हुआ है परचेजेज फ्रॉम मेसर्स भारत कंप्यूटर लिमिटेड कोलकाता 5 प्रिंटर, प्रिंटर का क्लोथ से कोई लिंक नहीं है ध्यान रख लो, इट इज असेट्स, ये रिकॉर्ड नहीं होगी बुक्स में। परचेज बुक में क्या चीज रिकॉर्ड ओनली है, ओनली गुड्स परचेज और ओनली क्रेडिट परचेज, कैश परचेज होगी तब भी नहीं आएगी, असेट्स परचेज होगी तब भी नहीं आएगी। इसको भी नीचे फुट नोट में दिखा देंगे, यहां पर सेकंड नंबर डाल दो ट्रांजैक्शन ऑफ इसको भी नीचे सेकंड नंबर में दिखा दो ट्रांजैक्शन ऑफ 20th जनवरी, डेट 20th है, 20th जनवरी 2022 बीइंग असेट्स परचेज और मेंशन कर दो विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। यानी कि दो ऐसी ट्रांजैक्शन थी जो परचेज बुक में नहीं आई, परचेज बुक क्लियर है, ये लो जी ये ऐसे नीचे फुट नोट दे देंगे। यहां तक तो हमारी सारी ट्रांजैक्शन का काम हो गया, अब परचेज बुक को कैसे क्लोज करते हैं वो देखते हैं। इसका चलो जी अब ये इसका टोटल कर देते हैं और यहां पर एंड ऑफ द मंथ जो मंथ की डेट आ रही है आपकी एंड, ये मंथ एंड हो गया हमारा, यहां लिखो परचेज अकाउंट डेबिट और वैल्यू पुट कर दो, यहां पर कितना मंथ है 1,50,000। ये चीज क्लियर हो गया, ये तो बन गया हमारा परचेज बुक बन गई। परचेज बुक के सारे टोटल को कहां ट्रांसफर करते हैं हम, जितनी क्रेडिट परचेज करेंगे वो पहले बुक में लिख लेंगे और उस सारे सम को, इसमें तो बाई चांस दो ही ट्रांजेक्शन थी, चार पांच भी जितनी भी हो सकती है वो सारी लिखेंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे परचेज अकाउंट के अंदर। ये चीज क्लियर हो गई, अब इसके लेजर प्रिपेयर करते हैं। अब इनके जो है लेजर की बारी आ गई। सबसे पहले देखो दो हमने जो है जब परचेज बुक में बनाया था तो दो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा था। पहली ट्रांजेक्शन आपकी आई थी मेसर्स बिरला मिल्स लिमिटेड जिसका टोटल आपका बन रहा था 1,05,000। अब यहां पर लिख दो डेट डालो जो उनसी डेट थी, कौन सी डेट थी उसकी 3rd जनवरी और यहां लिख दो बाई परचेजेज अकाउंट, क्लियर है 1,05,000। ये लो जी ये तो बिरला का हो गया। अच्छा क्योंकि लेजर जो है खाली हमसे पोस्टिंग कर रहे हैं, बस पोस्ट करना इनके टोटल नहीं करते क्योंकि इसके अंदर अभी और भी डिटेल्स आएंगी तो हमने यहीं पर छोड़ देना है अभी। अब अगला आ रहा है अरविंद मिल्स का। अरविंद मिल्स से आपने जो परचेजेज कर रखी थी 45,000 की परचेज कर रखी थी और उसकी डेट है 15th, यहां उसकी डेट लिखो 2022 जनवरी
15th क्रेडिट साइड में आएगा, ध्यान रखना बाई परचेजेज। जर्नल एंट्री पास करोगे तब भी ऐसे ही आएगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट 45,000। यहां तक क्लियर हुआ? 1,05,000 की परचेजिंग हुई थी आपकी बिरला मिल से, 45,000 की परचेजेज हुई थी अरविंद मिल से, परचेजेज में क्रेडिट साइड आएगा। अब जब परचेजेज अकाउंट बनाएंगे, तीन बनेंगे, लास्ट में हमने एक टोटल करके दिखाया था याद करो, जिसमें लिखा था परचेज अकाउंट डेबिट 1,50,000, परचेज को डेबिट कर रखा था, डेबिट में आएगा। यहाँ डेट डाल दो एंड ऑफ द मंथ, ये हमेशा एंड में बनेगा, 1,50,000 लिखो इसमें, जितना टोटल परचेज अकाउंट में दिखाया था परचेज बुक में। और यहाँ लिख दो टू सन्ड्रीज एज पर, कहाँ से लेके आए ये वैल्यू, ये दिखा दो परचेज बुक, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। क्लियर हो गया? बड़े आराम से समझ आ गया होगा आपको ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, थर्ड क्वेश्चन की बारी आ गई, अब थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर एक नया पॉइंट है कि एक्सपेंस भी आ गया है, तो हमें कॉलम भी एक्स्ट्रा खोलना पड़ेगा। मैं एक बार क्वेश्चन को समझाता हूँ उसके बाद देखते हैं। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ कमल प्रिपेयर परचेज बुक एंड पोस्ट इन लेजर, लेजर भी पोस्ट करने और परचेज बुक भी बनानी है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन को एक बार देखते हैं। लिखा है परचेजेज फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता 30 कलर टीवी एट द रेट ऑफ 15,000 ईच। 30 कलर टीवी परचेज करें एट द रेट ऑफ 15,000 ईच, इट इज क्रेडिट परचेजेज। कैसे पता चला? नेम आ रहा है, मेंशन नहीं है कि कैश में है, परचेज बुक में रिकॉर्ड होगी। परचेज बुक में दो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगी, कौन कौन सी आपको बताया था, जो आपकी एक तो कैश में परचेज हो जाए या असेट्स परचेज हो जाए। यहाँ पर खाली क्रेडिट परचेज जो है वो रिकॉर्ड होगी और कुछ रिकॉर्डिंग नहीं होगा। नेक्स्ट ट्रेड डिस्काउंट है इसमें 10% प्लस फ्रेट चार्जेज। ये नया पॉइंट आया कि फ्रेट चार्जेज का। अब इसमें कॉलम कैसे होते हैं, तो कॉलम देखो ऐसे है, ये अभी तक डेट का था पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर LF, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इनवॉइस थोड़ा हमारा इधर चला गया क्योंकि कॉलम छोटा है, तो आपने लिखना इसी में, थोड़ा ब्रॉड बना लेना वहाँ। डिटेल का कॉलम अभी तक खुलता था, बीच में दो कॉलम और खुलेंगे, एक कॉस्ट का बनेगा यानी कि डिटेल जो आएगी उसकी कॉस्ट कितनी बनी, फिर फ्रेट, और इन दोनों को क्लब करके टोटल में लिखते हैं। क्लियर है? तो टोटल 8 कॉलम खोलेंगे जिसमें दो में हमने कुछ नहीं लिखना। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यदि एक्सपेंस अनदर कोई और आ जाएगा तो उसका भी कॉलम खुल जाएगा। फ्रेट एक्सपेंस जो है हमारा ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है, तो ट्रांसपोर्ट का खोल दिया। कोई और एक्सपेंस का नाम आ जाए तो एक और एक्स्ट्रा खुलेगा फिर। तो अब जरा कुछ इसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, देखो कैसे होगी। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो आ रही है, डेट दे रखी है 2, लिखा है हमने वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता से परचेज करें, तो लिखो यहां पर वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से हमने जो है 30 कलर टीवी परचेज करे एट द रेट ऑफ 15,000 ईच। 30 कलर टीवी एट द रेट ऑफ 15,000 ईच, यहाँ ये क्लियर हुआ। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिटेल्स में लिख दो। एक टीवी की कॉस्ट 15,000 है, 30 परचेज करेंगे तो 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो लिख दो आप यहाँ डिटेल में 4,50,000। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी कह रहा है कि 10% ट्रेड डिस्काउंट है, लेस ट्रेड डिस्काउंट, जितना दे रखा है वो लिख दो ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10। एक ही आइटम परचेज कर रखे वीडियो कौन से और कुछ नहीं है, अनदर भी परचेज करेंगे तो इसी में आ जाएगी, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा। कितना आ गया 45,000, और ये वैल्यू करके अब यहाँ आ जाएगी। अब इसमें फ्रेट चार्जेज की बात करो, फ्रेट चार्जेज कितने आया, फ्रेट मींस ट्रांसपोर्ट चार्जेज, ये आ गए। अब टोटल कर दो। ये टोटल कैसे बनता है मैं छोटा सा यहाँ लिख देता हूँ आपको, कॉस्ट प्लस एक्सपेंस, आपने लिखने नहीं है, समझने के लिए बस, ये कॉस्ट थी और जितने भी एक्सपेंस होंगे ऐड कर दो, कितना बन गया 4,07,000। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये तो हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। अब सेकंड करते हैं, इसको क्लोज करते हैं लाइन से, आपको बताया था। चलो जी, अब सेकंड ट्रांजेक्शन आ गई 15 अप्रैल की, यहाँ डेट डाल दो 15th, और किससे परचेजेज हो रही है ये लिखते हैं, परचेज फ्रॉम सोनी इंडिया लिमिटेड गुवाहाटी, लिखो सोनी इंडिया लिमिटेड परचेज जो है वो देखते हैं। सोनी से हमने इनसे 10 कलर टीवी परचेज करे हैं एट द रेट ऑफ 20,000 ईच। 10 कलर टीवी एट द रेट ऑफ
20,000 ईच, तो अल्टीमेट कितने की परचेजिंग हुई इनसे, 2 लाख रुपए लिख दो यहाँ। ये चीज समझ आया कहाँ से आया, 2 लाख 20,000 इंटू 10। अब इसके अंदर भी आपने इनको 10% ट्रेड डिस्काउंट है वो सब्ट्रैक्ट होगा, लेस करो यहाँ से ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। तो 10% इसका निकालें तो कितना बनता है देखो, 20,000। अब ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू यहाँ लिख दे, 80,000 आ गया, लिख दो। अब इसके अंदर चेक करो कोई एक्सपेंस है फ्रेट के, कोई एक्सपेंस नहीं दे रखे, ऐसे डैश डाल देंगे और इन दोनों का टोटल करके यहाँ लिख देंगे 1,80,000। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई मुश्किल नहीं लग रहा। दो ट्रांजेक्शन अभी तक कंप्लीट हो गई, अब इसको क्लोज करते हैं। 20 क्या चीज परचेज है देखो, लिखा है परचेज फ्रॉम म्यूजिक इंडिया लिमिटेड, तो यहाँ डाल दो नाम आप म्यूजिक इंडिया लिमिटेड, जिससे परचेज हो रहा है, इनसे परचेजिंग हमारी हो रही है, वो 10 म्यूजिक सिस्टम हो रहे हैं एट द रेट ऑफ 10,000 ईच, 10 म्यूजिक सिस्टम एट द रेट ऑफ 10,000 ईच। एक सिस्टम कितने का है, 10,000 का, और 10 कितने हो गए, 1 लाख, लिख दो 1 लाख डिटेल्स में। यहां तक क्लियर हुआ, इसके अंदर भी ट्रेड डिस्काउंट है, इसके अंदर 15% है, तो जितना होगा उतना लेस कर दो इसमें से, लेस करो ट्रेड डिस्काउंट जितना दे रखा है क्वेश्चन में वो लेस कर देंगे एट द रेट ऑफ 15%। तो 15% ऑफ 1 लाख वुड बी 15,000, लिख दो 15,000, और अब इसके सामने लिख दो 85,000। ये जो आ गया, यहां तक क्लियर हुआ, इसमें भी कोई एक्सपेंस नहीं है तो छोड़ देंगे, इसको पहले क्लोज कर देते हैं, इसके आगे भी कोई एक्सपेंस नहीं है छोड़ दो, और ये आप यहां लिख दो 85। क्लियर है, अब इसको क्लोज करते हैं। ट्रांजेक्शन आपके सामने अब आ रही है, चलो जी किससे परचेजिंग हो रही है, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से अगेन परचेजिंग हो रही है, वीडियोकॉन जरा इससे, वीडियोकॉन से परचेजिंग आपने करी है, 5 वॉशिंग मशीन परचेज है एट द रेट ऑफ 15,000 ईच, 5 वॉशिंग मशीन एट द रेट ऑफ 15,000 ईच, जितने की टोटल कितने की बन गई, 75,000। अब ये चेक करो क्या इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट है, इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट है और 20% है, लेस करो ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%, कितना बन गया वो 15,000। आप इसके आगे लिख दो, ये तो बन गया माइनस करेंगे तो 60, ये कहाँ से 60 आया, माइनस करके आया इसमें से। इसके बाद इसके अंदर फ्रेट चार्जेज भी आ रहे हैं, तो फ्रेट चार्जेज लिख दो, और ये टोटल कितना बन गया 61,000। यहाँ तक क्लियर हुआ, अब इसको क्लोज करते हैं इस लाइन को, फिर परचेज इसमें परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। बारी आ गई टोटल करने की, देखो सबके टोटल करते हैं, ये लिख देते हैं यहाँ पर टोटल, टोटल में ये तो बन गया, आप इसका टोटल करते हो तो इसका तो बन गया आपका 7,30,000, 7,30,000, इसका बन गया 3,000, और इसका ओवरऑल आ गया 7,33,000। एनी डाउट, यहाँ तक तो ये हमारा टोटल बन गया, अब हमारा सारे का, और इसकी डेट आप डाल दो यहाँ पर अप्रैल 30, यानी कि 30 अप्रैल को इतना टोटल हो गया, इतनी कॉस्ट बैठ गई, इतना फ्रेट चार्जेज और इतना टोटल अमाउंट आ गया। अब इनके लेजर प्रिपेयर करते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं लगी होगी, जैसे जैसे आएगी ट्रांजेक्शन लिखते जाओ, क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिखनी है, कैश ट्रांजेक्शन कोई नहीं लिखनी, असेट्स परचेज होगी तब कोई नहीं लिखनी। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डीलर था, सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इसने बाई कर रखी है, इसमें एक्सपेंस भी आ गए थे तो एक्सपेंस का कॉलम खोल दिया हमने, दो एक्सपेंस आएंगे तो दो एक्सपेंस खुल जाएंगे, फ्रेट हमारा ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है याद रख लो, तो कॉलम खोल दिया हमने, इन दोनों को क्लब करके दिखाना होता है। क्लियर हो गया, अब इनके लेजर प्रिपेयर करते हैं, लेजर पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ रहा है वीडियो इंडिया लिमिटेड, तो वीडियो इंडिया लिमिटेड में करते हैं। डेट आप देखो जब जब परचेज करी, अप्रैल को कर रखी है अप्रैल 1, बाय लिखो परचेजेज जितने की करी है, बाय परचेजेज अकाउंट 4,05,000, उसके बाद फ्रेट था तो फ्रेट भी लिख दो इसी में,
सेपरेट अकाउंट 2000 रुपी। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये तो डेट थी फर्स्ट। वीडियो कौन से दो बार परचेजिंग हुई थी आपको याद हो? एक बार 30th को भी हुई है 60,000 की, तो 30th अप्रैल लिखो अभी आप, अप्रैल 30 बाई करो परचेजेज जितने की है, बाई परचेजेज अकाउंट 60,000 और बाई फ्रेट अकाउंट 1,000। यहाँ तक क्लियर हुआ? कौन से और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, तो वीडियो कौन का तो खत्म हो गया। क्लोज करते नहीं है, खाली आपको लेजर में पोस्टिंग करके दिखानी है। अब अगला चलते हैं, सोनी इंडिया लिमिटेड। आपको याद हो सोनी इंडिया लिमिटेड से 15 अप्रैल को परचेजिंग हुई थी 1,80,000 की, अप्रैल 15 बाई परचेजेज करो, बाई परचेजेज अकाउंट कितने की हुई थी 1,80,000, 180 दिखा दो, ये लो। अब बारी आ गई म्यूजिक इंडिया लिमिटेड से। म्यूजिक इंडिया लिमिटेड से भी परचेजिंग हुई है आपकी 85,000 की 20th अप्रैल, तो लिख दो यहाँ अप्रैल 20th बाई परचेजिंग 85,000। क्लियर हो गया? अभी हमारे तीन अकाउंट तो बन गए। अब बारी आएगी फ्रेट अकाउंट की और परचेजेज अकाउंट की, तो उसको और प्रिपेयर करते हैं। फ्रेट अकाउंट की बारी आ गई। आपको याद हो फ्रेट दो बार हुआ था, एक 2000 और एक 1000, टोटल हो गया 3000। ये एंड ऑफ द मंथ में करते हैं हम इसमें ट्रांसफर। अप्रैल बनाया और अप्रैल की डेट 30 और यहां पर लिखो टू संड्रेज एज पर परचेज बुक जितना अमाउंट आपको दे रखा है, कितना आया था 3000। खाली पोस्टिंग करके दिखानी है और कुछ नहीं करना, तो ये दिखा दिया यहां पर। वैसे भी याद रखो वो अभी तक हमने जो बनाया था, एक वीडियो कॉन अकाउंट बनाया था, एक सोनी इंडिया बनाया था और एक म्यूजिक वाला बनाया था, तीनों क्रेडिटर थे, तो उनके बैलेंस किधर आ रहे थे क्रेडिट में, इनके किधर आएंगे? फ्रेट हमारा एक्सपेंस है, डेबिट साइड आएगी। परचेजेज हमारी असेट्स है, डेबिट साइड आएगी। एक्सपेंस है, परचेज को एक्सपेंस मानो तब भी डेबिट आएगा, असेट्स मानते हैं तब भी डेबिट। यहां तो ये आ गया, टोटल कुछ नहीं करते, खाली प्लेसमेंट शो करनी है। परचेज अकाउंट में आपको थोड़ा याद हो 7,30,000 आया था, वो ट्रांसफर कर दो एंड ऑफ द मंथ में। ये अप्रैल आ गई आपकी 30 और यहाँ लिखो टू संड्रीज, संड्री का मतलब जितना टोटल था आपका, संड्रीज एज पर परचेज बुक। परचेज बुक से लेके आए हैं तो परचेज बुक लिख दो, परचेज बुक 7,30,000। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हमारा ये आज थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सेकंड भी कंप्लीट हो गया और थर्ड भी कंप्लीट हो गया, और दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। अब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, इनमें आपको कोई भी डाउट लगता है यो लास्ट इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।